हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके अभी तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म या क्लासिकल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, है ना, जिसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में भी पढ़ते हैं या अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, मूविंग चार्ज और क्या होगा, करंट कैरिंग वायर के द्वारा हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। हमने इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा था कि क्या होगा कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, आई मीन जब क्या होगा कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो क्या करता है, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और जैसे ही आप दूसरे चार्ज को उसके सराउंडिंग में लाते हो तो क्या करता है, ये चार्ज क्या करता है, उस पर फोर्स एग्जर्ट करता है। आई मीन जब भी क्या होगा चार्ज रेस्ट में होगा तो केवल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टेट में देखा था। अब चार्ज के तीन स्टेट हो सकते हैं। क्या हो सकता है, चार्ज रेस्ट में हो सकता है, चार्ज मूव कर सकता है। तो मूव जब करेगा तो दो तरह से मूव कर सकता है। एक क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, आई मीन एक्सेलरेट नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, है ना। क्या होगा दूसरा, क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। तो क्या है कि ये देखा गया कि जब भी क्या होगा, एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया है, या आप भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, जब मैग्नेटिक फोर्स पढ़ोगे तो वहां ये चीजें समझ में आपको ज्यादा अच्छे से आएगा कि क्या होगा, जब भी क्या होगा चार्ज रेस्ट में होता है तो चार्ज क्या करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज एट रेस्ट ओनली क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अबाउट इट या इन इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो एक कोई चार्ज है जो रेस्ट में है तो ये केवल क्या करेगा, ई प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बी, आई मीन मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हेन एवर चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन दिस चार्ज विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग, ठीक है। अब जब चार्ज क्या होगा, एक्सेलरेट होता है, व्हेन एवर चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, दिस मींस दैट कि व्हेन एवर चार्ज इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी देन दिस चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडिएट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद उन्होंने फिगर आउट किया कि जितने भी एक्सेलरेटिंग चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के साथ साथ कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, ठीक है, जिसको हम रेडिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। जब आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो वहां मालूम चलेगा। तो यहां मैंने लिखा है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज creates electric field, comma magnetic field and radiates some energy in the form of electromagnetic wave. क्या होगा? In the form of energy in the form of electromagnetic waves. ठीक है, ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं कि जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता है तो ऐसा माना गया मैक्सवेल के मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि क्या होगा, एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या होता है, वो एनर्जी रेडिएट करता है ऐसा बताया गया है। जो रदरफोर्ड का क्या था, ड्रॉबैक भी था, ठीक है। तो ये क्या है कि अब हम यहां हमने चार्ज एक कंसीडर कर लिया, क्यू चार्ज है, दिस चार्ज इज मूविंग विथ क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी, आई मीन यहाँ क्या है वेलोसिटी, ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
मैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि एक्सीलेटिंग चार्ज जो मूविंग चार्ज जो होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। चार्ज रेस्ट में होगा तो कभी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। तो हम यहाँ नोट में लिख लेंगे कि मूविंग चार्ज ऑलवेज क्रिएट, क्या लिखेंगे, मूविंग चार्ज क्या लिखेंगे, यहाँ नोट में लिख लेंगे कि मूविंग चार्ज ऑलवेज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। आई मीन चार्ज इन मोशन ऑलवेज क्रिएट क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मूविंग चार्ज के द्वारा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो क्या होता है कि हमने मान लिया कि देखो ध्यान से कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, देखो यही क्या है, कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज हमने मान लिया, देखो यही क्या प्लस क्यू चार्ज है और एक भी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ कोई पॉइंट क्या है, पी है, यहाँ मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। देखो पी क्या है, पी इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो यही क्या है, इसको हमने क्या मान लिया, आर, और दिस इज नथिंग बट द क्या है, एंगल बिटवीन क्या है, पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, क्या है, पोजीशन वेक्टर एंड क्या है, वेलोसिटी वेक्टर। तो देखा गया है, आई मीन बायोट सावर्ट थे, उसी से रिजल्ट भी डिराइव किया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, क्यू क्या होगा, वी क्रॉस क्या हो जाएगा, आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यू। ठीक है, वी क्रॉस आर अपॉन क्या होगा, आर क्यू, क्या होगा, वी क्रॉस आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये क्या है, चार्ज इज मूविंग इन क्या है, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन क्या होगा, आर क्यू। क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी, आर क्या है, पोजिशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, पोजिशन वेक्टर। तो ये क्या होगा, देखो वेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, वेयर, देखो वेयर, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड क्या होगा, परमियबिलिटी, परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 4 pi × 10⁻⁷ एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर पर मीटर होगा। अब देखो यहां ध्यान से देखोगे कि द चार्ज इज पॉजिटिव तो क्या होगा, अब मैग्नीट्यूड यदि लिखे, देखो यहां ध्यान से कि दो तीन पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं नोट में, कीप द चार्ज इज पॉजिटिव क्या होगा, तो देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्या होगा, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, पहला पॉइंट। आई मीन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज सम टाइम कॉल्ड एक्सियल वेक्टर और सीरो वेक्टर, क्या बोलेंगे हम इसको, एक्सियल वेक्टर और क्या बोलते हैं, सीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद
दूसरा जो क्या होगा, द डायरेक्शन, क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू, क्या होगा, द प्लेन, द प्लेन इन विच, इन विच चार्ज, चार्ज इज, क्या होगा, मूविंग। ठीक है, अब यहां हम लिख सकते हैं, देखो क्या होगा, ये भी आपको सोचना है। देखो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द चार्ज इज मूविंग, इसका मतलब क्या हुआ कि बीपी जो होगा वी और आर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं दैट इज, क्या लिख सकते हैं, बीपी डॉट क्या होगा, आर विल बी क्या होगा, जीरो, और बीपी डॉट क्या होगा, वी विल बी क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। अब यहां एक चीज ध्यान देना है कि देखो यहां क्या होगा, डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, जो आप जानते हैं वेक्टर मैन। देखो यहां क्या होगा, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, क्या होगा, इफ, यहां हम लिख सकते हैं कि थर्ड में हम क्या लिखेंगे, इफ, क्या होगा, इफ, इफ थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, इफ क्यू इज क्या होगा, पॉजिटिव, देन, देन क्या होगा, वीपी विल पैरेलल टू क्या हो जाएगा, वी क्रॉस क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, और देखो यहां देखोगे तो यदि पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, वी क्रॉस, देखो वी क्रॉस भी कैसे लिखेंगे, राइट हैंड पाम को किधर रखेंगे, वी पे, और वी क्रॉस आर लिखने के लिए क्या करेंगे, फिंगर को क्या करेंगे, आर की तरफ कर्ल करेंगे, तो वी क्रॉस आर, देखो वी क्रॉस आर किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। ठीक है, यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनटू द क्या होगा, बोर्ड होगा, क्या होगा, इनटू द बोर्ड, दैट इज, यहां हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, द मैग्नेटिक, इस सिचुएशन में द क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ बीपी इज क्या होगा, इनटू, इनटू द क्या होगा, बोर्ड। ठीक है, दूसरा लिख लेंगे क्या, कि इफ क्या होगा, क्यू इज निगेटिव, देन क्या होगा, देन, देन द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ बीपी इज क्या होगा, आउट ऑफ द क्या होगा, बोर्ड, दैट इज क्या होगा, बीपी इज एंटी पैरेलल, क्या होगा, बीपी इज एंटी पैरेलल, क्या होगा, बीपी इज एंटी पैरेलल टू क्या होगा, वी क्रॉस क्या होगा, ये ध्यान देना है, क्या होगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, आई मीन क्या होगा, आउट ऑफ द बोर्ड। अब यहां से कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं, तो ये क्या हुआ, जैसे सिंपल एक एग्जांपल देखो, अब देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ये तो हमने देख लिया। अब यहां हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज डिपेंड ऑन, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, स्पीड, स्पीड ऑफ चार्ज, बी क्या होगा, बी क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सी क्या होगा, एंगल बिटवीन, वी एंड क्या होगा, वी एंड आर,
और डी जो होगा नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द क्या होगा मीडियम, मीडियम इन विच चार्ज इज मूविंग, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच चार्ज इज मूविंग। ठीक है, समझ में आया ना क्या होगा कि क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, थीटा पे डिपेंड करेगा, वी स्पीड पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा, क्यू और नेचर ऑफ द मीडियम। अब इसमें क्या होगा, एक पॉइंट और देखना है, इस चीज आपको ध्यान देना है, उसके बाद क्या लिखना है देखो ध्यान से। तो उसके बाद एक और पॉइंट है कि यहां देखेंगे क्या होगा कि व्हेन क्या होगा, अब अगला पॉइंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज एट एनी पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ मोशन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज एट एनी पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ मोशन विल बी क्या होगा, विल बी ऑलवेज जीरो। देखो ध्यान से, अब क्यों होगा यहाँ भी देखो, यही क्या है, कोई चार्ज है, ये क्यू है और ये चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा लाइन ऑफ मोशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट पी, इसको मान लो क्यू, इसको हमने क्या किया आर। अब आप देखो ध्यान से कि यहां क्या होगा, एंगल आइदर क्या हो जाएगा, यदि पी क्यू और आर पे आप फील्ड निकालोगे तो बोल सकते हो कि आइदर यहां एंगल क्या हो जाएगा। देखो जब ये यहां निकालना होगा तो पोजिशन वैक्टर क्या होगा इधर होगा और वेलोसिटी वैक्टर क्या होगा इधर होगा, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा जीरो, 180 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180। यदि यहाँ निकालना है तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा जीरो, मैग्नेटिक फील्ड एट आर विल बी ऑल्सो क्या होगा जीरो। इसके बाद एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, तो ये समझ में आया क्या कि व्हेन एवर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन एवर वी एंड आर विल बी पैरेलल और एंटी पैरेलल द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा ऑलवेज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। एक तो क्या है, चार्ज मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, तो किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक मूविंग चार्ज ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी गलत है, वो सिचुएशन डिपेंडेंट है यार। कि अब देखो क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो कि जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से यू आर द ऑब्जर्वर या आई एम द ऑब्जर्वर एंड आई एम ऑल्सो मूविंग विद सेम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विथ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, आई मीन चार्ज जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से यदि मैं भी मूव करूं तो मेरे रिस्पेक्ट में चार्ज ऑलवेज क्या होगा रेस्ट में होगा। क्या होगा ऑलवेज क्या होगा चार्ज क्या होगा रेस्ट में होगा। ठीक है, क्या होगा चार्ज रेस्ट में होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि मूविंग चार्ज ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके, डिपेंड कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो आप समझ भी सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों सेम चीज है, वो डिपेंड करता है कि हम कहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ चार्ज मूव कर रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऑलवेज चार्ज मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड ही क्रिएट करेगा। तो मूविंग चार्ज मे क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड और नॉट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे इस सिचुएशन में देखो, लाइन ऑफ मोशन पे कहीं भी आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा।
लेकिन यही आप यहां कैलकुलेट करो यार, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ऑलवेज मूविंग चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, नहीं ये पॉसिबल नहीं है यार। ये कभी क्या है, सिचुएशन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो समझ में आया ना आपको, यहां क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सिचुएशन डिपेंडेंट होगा। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है कि व्हेन एवर, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और पूछा भी जाता है। तो दूसरा जो है क्या है कि ये चार्ज, देखो ध्यान से, ये चार्ज प्लस क्यू इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड स्पीड ओमेगा, देन क्या है, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज एट द सेंटर ऑफ द, क्या होगा, ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो क्या है, ये भी क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं रटना है, एक तो दोनों मेथड से बाद में एक बार शॉर्ट लो बताऊंगा तो उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो करंट कैलकुलेट करके। तो यहाँ क्या है, यही क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज रेडियस आर, और यहाँ कोई चार्ज है, प्लस चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज हमने मान लिया है, ये किस वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। तो देखो यहां से मुझे कहां कैलकुलेट करना है, ओ पे कैलकुलेट करना है, ओ पे ही अलग। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस क्या होगा, आर, ये आप लोग जानते हैं, यदि मैं इसको आर मान लूं, ठीक है, क्या मानूंगा, आर मान लूंगा, क्या मानूंगा इसको, आर, आई मीन देखो यहां ध्यान से, वी इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर, ये वाला आर है, ठीक है, यहाँ ए आर अलग है यार, ए आर मत समझना, ऐसे लिख लो, नहीं तो आप देखो वी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा ऑलवेज क्या होगा, पाथ पे टेंजेंट होगा, तो वी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा आर, ठीक है। अब आप यदि कॉन्सेप्ट यूज करो जो मैंने बताया था, क्या बताया था, कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन क्या होगा, आर क्यू। और यदि चार्ज पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वी क्रॉस आर के, देखो वी क्रॉस आर किधर है, आउट ऑफ द क्या है, बोर्ड है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, वी मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूं इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो यहां एंगल वी और आर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी अपॉन क्या हो जाएगा, देखो स्मॉल आर यहाँ लिख सकते हो, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, रेडियस के इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आर स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। और देखो यहाँ वी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, वी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर लिख सकते हो, क्या वी इक्वल टू, तो देखो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ यदि साइन लिखे तो देखो ये क्या होगा, ऐसे लिख रहे हैं ए डॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं बता देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ इज क्या होगा, आउट ऑफ द क्या होगा, बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, ये डॉट सर्कल के अंदर डॉट है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड बताता है, यदि क्रॉस है तो इनटू द बोर्ड। अब यहां से वी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, देखो म्यू नॉट अपॉन क्या है, 4 पाई और क्यू वी, क्यू इंटू वी लिखोगे तो क्या होगा, वी इक्वल टू ओमेगा आर रखो, तो देखो ये क्या होगा, क्यू ओमेगा आर अपॉन क्या हुआ,
क्या हो गया, देखो क्या हो गया, ओमेगा आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और यहाँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, इसको दूसरे मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बाद में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बाद में आप देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हमने यहाँ लिखा क्या हो गया, B is equal to क्या होगा, म्यू नेट अपॉन 4 पाई Q ओमेगा अपॉन क्या हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। तो ऐसे भी आप यहां देखो, यहां करंट कितना होगा आपको मालूम है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक रिजल्ट यहां डॉट का मतलब क्या होगा, दूसरे तरह से भी इसको लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो, बी नट इक्वल टू क्या होगा, म्यू नट अपॉन 2 आर इनटू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई अपॉन क्या होगा, ओमेगा। तो ये ऐसे भी आता है, बी नट इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नट आई अपॉन क्या होगा, 2 आर, वेयर आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई अपॉन क्या होगा, ओमेगा। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, समझ में आना, ये करंट के टर्म में, ये बाद में जब बायोट सावर्ट लॉ लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि क्या होगा, कि जब भी यहाँ डॉट सर्कल के अंदर डॉट दिया हुआ है तो ये क्या करेगा, आप क्या लिखोगे, आउट ऑफ द पेज, क्योंकि आप पेज में लिख रहे हो तो आउट ऑफ द पेज। यदि यहाँ क्रॉस है सर्कल के अंदर तो ये क्या बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होगा, इन टू द, अगेन देखो ए क्रॉस बी, सिंपल याद रखना है, राइट हैंड थंब मैंने बताया था, यही एक ट्रिक याद रखोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है। तो ए क्रॉस बी का आपको डायरेक्शन निकालना है, तो मैंने कैसे बताया था कि ए क्रॉस बी, तो ए पे आप क्या करो, राइट हैंड पाम रखो, फिर से देखो ध्यान से, हमने रखा और फिंगर को किधर कर्ल करना है, बी की तरफ, ए टू बी, तो ए से बी की तरफ कर्ल करो और थंब का डायरेक्शन देखो, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि क्या होगा, कि द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, V क्रॉस R के डायरेक्शन में होगा, कब, जब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और V क्रॉस R के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जब चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मूविंग चार्ज ऑलवेज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और चार्ज रेस्ट में है या मूविंग में है ये कौन बताएगा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हम यहां से बोल भी सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज डिपेंड ऑन द क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या हम लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं नोट में, समझ में आया ना, ये आप समझ सकते हो, ऑलवेज याद रखना है, मूविंग चार्ज क्रिएट क्या होगा। तो यहां क्या है, भी हम मान सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ क्या है, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड ऑन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो ये क्या हुआ, कैसे किसी भी चार्ज के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, हम चार्ज लेकिन कैसे मूव करना चाहिए, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, हम दूसरा जो टाइप है इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, करंट कैरिंग वायर। तो दूसरा जो है इसमें हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जब क्या करोगे आप, करंट कैरिंग वायर के पास चार्ज को क्या करोगे, फेंकोगे, तो देखा गया कि चार्ज क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, क्या होता है। और करंट कैरिंग वायर पे मैंने बताया था कि नेट चार्ज, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, तो मैंने ये बताया था कि व्हेनेवर चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर विल ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। तो जब आपको ही मालूम है कि नेट चार्ज जीरो होगा, चार्ज जीरो हो गया, तो भाई वहां
उस चार्ज पे जिसको हमने फेंका, जैसे मान लो कि यही क्या है, करंट कैरिंग वायर है, है ना, तो ये देखा गया कि यदि हम क्या करें, किसी चार्ज को ऐसे फेंक दें, क्या करें, चार्ज को ऐसे फेंक दें, ऐसे, तो ये क्या होता है, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इधर क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, इधर डिफ्लेक्ट हो जाता है, किधर, इधर, यदि पॉजिटिव चार्ज, यदि निगेटिव चार्ज होगा तो किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्या किया गया कि चार्ज को फेंक करके ये देखा गया, तो देखा गया कि किसी एंगल पे यदि चार्ज को फेंके तो डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ एंगल पे हम फेंके तो क्या है, चार्ज क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी क्या होगा, करंट कैरिंग वायर क्या होगा, ऑलवेज क्या करता है, अब देखो इस पे वायर पे नेट चार्ज क्या है, जीरो है, इस तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं कर सकता यार आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा भी क्या है, कोई करंट कैरिंग वायर है वो फील्ड क्रिएट करता है, तो ये देखा गया कि ये कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसलिए करंट कैरिंग वायर जो है वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसको दो तरह से हम डील करते हैं, पहला जो मेथड है यूजिंग क्या है, पहला जो इसमें मेथड है क्या है, ए में, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर जो होता है उसको दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, बाय यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ, क्या होते हैं, बाय यूजिंग बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, दूसरा जो क्या है, बाय यूजिंग, दो तरह से, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। देखो जिस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के द्वारा कैलकुलेट करते थे, दो मेथड यूज करते थे, एक क्या है कूलम्स लॉ के द्वारा और दूसरा मेथड क्या था, गॉस लॉ के, लेकिन गॉस लॉ का ड्रॉबैक ये था कि हाईली सिमेट्रिकल सिचुएशन में ही उसका हम यूज करते हैं। उसी तरह क्या होगा, एम्पियर्स लॉ जो होता है, जब हाई करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, लेकिन बायोट सावर्ट लॉ क्या है, हम किसी भी सिचुएशन में यूज करके कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि बायोट सावर्ट लॉ होता क्या है, ठीक है, तो यहां हम देखेंगे क्या है, बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, समझ में आया आपको, तो पहले हम क्या देखेंगे, ठीक है, तो देखो यार यही क्या है, कोई करंट कैरिंग वायर है, ये क्या है, एसटीडी करंट है, याद रखना है ना, एसटीडी करंट। अब बोलो कि करंट फ्लो कहां से हो रहा है, तो हो रहा है उस वायर में है, यही क्या है, करंट कैरिंग वायर है, तो बायर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। अब मुझे मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है, यहां मुझे क्या करना है, पी पॉइंट पे क्या करना है, फील्ड निकालना है, तो उन्होंने क्या किया, एक करंट एलिमेंट कंसीडर किया, करंट एलिमेंट, देखो हमने क्या किया, एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया, करंट एलिमेंट, देखो करंट एलिमेंट, यही क्या है, आर, आई मीन पोजीशन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट क्या होगा, देखो यहां लिख रहा हूं और इधर लिख दे रहा हूं, आई डी एल, यही करंट एलिमेंट होता है इसको, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है उसको हमने क्या मान लिया, थीटा, आई मीन क्या है, आई डी एल क्या है, देखो यहां लिख देता हूं, आई डी एल इक्वल टू क्या है, करंट एलिमेंट, एलिमेंट वेक्टर, डिफरेंशियल करंट एलिमेंट वेक्टर, और आर क्या है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या है, पी विथ रिस्पेक्ट टू वायर, ठीक है।
थीटा क्या है, एंगल बिटवीन क्या है। अब देखो यहां क्या है, करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज करंट के डायरेक्शन में कंसीडर करना है। थीटा क्या है, थीटा इज द क्या है, एंगल बिटवीन, क्या होगा, एंगल बिटवीन आई डी एल एंड क्या होगा आर। ठीक है, अब बायोट सावर्ट ने क्या बताया था, यहां क्या लिख लेना है कि देखो ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आईडीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा, तो थीटा। तो बायोट ने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट पॉइंट पी अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल इज क्या होगा, एम है, देखो एम है, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ, यहां लिख लेना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, आई मीन क्या लिख सकते हैं, डीबी एट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आईडीएल। ठीक है, बी में क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन आईडीएल एंड आर, क्या होगा, साइन थीटा, जैसे हम लिख सकते हैं डी बी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सी में हम क्या लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसे डी बी पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर स्क्वायर। अब यदि इस तीनों इक्वेशन को लिखोगे तो हम बोल सकते हैं कि डी बी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्या होगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी पी इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, क्या होगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये कॉन्स्टेंट हम जानते हैं कि क्या होता है, तो बी पी एच सॉरी डी बी पी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल क्रॉस क्या होगा, आर डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्या। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायोट सावर्ट लॉ। आप इतना भी नहीं, वो भी याद रखोगे क्या होगा। अब देखो ये डिफरेंशियल करंट एलिमेंट के द्वारा मुझे मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल गया, तो डी बी पी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई है ना, आई डी एल क्रॉस क्या होगा, आर अपॉन क्या होगा, आर। ठीक है, ये बायोट सावर्ट लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आई डी एल। ठीक है, अब यदि मुझे क्या करना है, बीपी निकालना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो हम क्या लिखेंगे, बीपी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नेट अपॉन फोर पाई इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस आर अपॉन क्या होगा, आर क्यूब। ठीक
ठीक है, क्या हुआ? नेट मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू करंट कैरिंग वायर विल बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन क्या होगा आर क्यूब, क्या होगा आई डी एल क्रॉस आर अपॉन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसी का यूज अगेन क्या करेंगे, देखो यहां से हम बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा डी एल क्रॉस आर, यहां लिखना है ठीक है, तो डी एल क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या होगा आप यहां से फिगर आउट कर सकते हो। तो क्या है नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है, तो यहां से देख सकते हो ये इसी को हम क्या बोलते हैं बायोट-सावर्ट लॉ बोलते हैं, ठीक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसको यूज करके हम क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां एक दो पॉइंट लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या क्या होता है, पहले ही बता देना चाहिए लेकिन यहां बता दें, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी है, वो तो मैंने बताया था आपको, यहां भी देखो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज क्या होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच द करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड, ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, यहां भी क्या लिख सकते हैं नोट में दो तीन पॉइंट लिख लेते हैं कि द क्या होगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग करंट कैरिंग वायर, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि समझ में आना, आई मीन क्या होगा द डायरेक्शन ऑफ बीपी विल बी क्या होगा विल बी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ आई डी एल क्रॉस आर, तो हम क्या लिख सकते हैं आई मीन बीपी विल बी पैरेलल टू क्या होगा आई मीन सिंपल डी एल क्रॉस क्या लिख सकते हो, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होता है टेस्ला आई मीन TESLA टेस्ला और इसी को क्या बोलते हैं वेबर मीटर स्क्वायर और क्या लिखेंगे WB मीटर स्क्वायर, ठीक है, दूसरा जो CGS यूनिट होता है CGS यूनिट ऑफ बी इज क्या होगा गॉस और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, आई मीन इसको क्या लिखेंगे MX, तो देखो क्या होगा 1 टेस्ला इज इक्वल टू क्या होता है 10^4 गॉस, जी से डिनोट करते हैं, क्या है जी से हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं, ठीक है, अगेन यहां भी क्या होगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर कैन बी ऑब्टेंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, किसको यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड थंब रूल यूज करके हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, जैसे देखो क्या है यहां यदि आप ध्यान से देखोगे तो अब यहां हम क्या लिखेंगे देखो टाइप 1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
स्ट्रेट फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। पहला जो टाइप है फाइनाइट हमने मान लिया, जिससे देखो क्या है, यही क्या है, ये करंट कैरिंग वायर है ना, ये क्या करंट आई कैरी कर रहा है, इससे यहाँ इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे, डी पे कोई पॉइंट पी है जहाँ मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट। कहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है यहाँ, अब यहाँ देखोगे ठीक है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक चीज़ यहाँ कंसीडर करना है कि ये वाला जो एंड है और एज, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। ये जब ज्वाइन करोगे तो देखो ये एंगल कितना होगा, बीटा होगा, और इसको जब ज्वाइन करोगे ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, देखो एक जनरल रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, ये वाला एंगल क्या होगा, अल्फा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अल्फा बीटा आपको समझ में आया, अल्फा और बीटा क्या है, एंगल है, ये दोनों एंड ज्वाइन कर रहा है इसको, ये मान लो ये है और ये क्या है, बी है। मुझे क्या करना है, पी पॉइंट पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। इधर मैं एंगल लिख देता हूँ, देखो ये वाला जो एंगल किधर है, इधर बीटा लिख देता हूँ, ठीक है। ये अल्फा बीटा या थीटा वन थीटा टू कुछ भी लिखते हैं, ठीक है एंगल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे एक डी वाई लेंथ का हम क्या करेंगे, करंट एलिमेंट कंसीडर, आई डी वाई। इसके द्वारा अब देखो ये क्या है, यदि मैं इसको एंगल थीटा मान लूँ तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। जस्ट आपको समझना है, देखो ये डी हुआ, ये वाई हुआ, और ये इसको हमने क्या कर लिया, आर कंसीडर। यही आपका क्या हुआ, देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आई डी वाई, इधर लिख देता हूँ, ये क्या होगा, आई डी वाई, यही हमने करंट एलिमेंट, ये क्या हुआ, आई डी वाई, ठीक है। हमेशा आई डी वाई का डायरेक्शन क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा। तब हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट्स आउट लॉ, क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू, अब देखो यदि ये एंगल थीटा है तो ये थीटा, ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 प्लस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या होगा, बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंशियल करंट एलिमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या लिखेंगे, या लिखेंगे बायोट्स आउट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एलिमेंट आई डी वाई। इस करंट एलिमेंट के द्वारा, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, फील्ड लिखेंगे। तो क्या होता है, देखो तो डी बी पी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई क्रॉस आर अपॉन क्या होगा, आर क्यूब, यही होगा ना, ठीक है, अरे यही होगा ना। अब देखो डी आर का, देखो तो डी वाई, आई डी वाई का डायरेक्शन किधर है, इधर, आर का डायरेक्शन, एंगल कितना हुआ, 90, और डायरेक्शन क्या होगा, डी एल क्रॉस आर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब देखोगे तो ये क्या होगा, बी पी का डायरेक्शन होगा, इन टू द बोर्ड, ठीक है। देखो यहाँ से डी एल क्रॉस आर, दूसरा भी मेथड बताऊंगा, पहले डी एल क्रॉस आर, आई डी एल क्रॉस या आई डी वाई क्रॉस आर, देखो आर का डायरेक्शन किधर है, आर का डायरेक्शन किधर है, इधर है ना, और DL का आई डी वाई का डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो डी वाई आई डी वाई क्रॉस आर, आई मीन आई क्रॉस आर, सिंपल याद रखो, आई क्रॉस आर, आई मीन करंट वेक्टर मान लो, और आई क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किसी भी पॉइंट, जस्ट ऐसा समझने के लिए। तो यहाँ देखो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डाउन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डी बी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, अपॉन
फोर पाई इंटू क्या होगा आई डी वाई अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। ठीक है नितिन, ठीक है अब क्या होगा, देखो आर, अब यहाँ देखो तो हम ये लिख सकते हैं क्या, इसको इक्वेशन हमने वन मान लिया, अब क्या होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, देखो ये क्रॉस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनटू द बोर्ड है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे डी बी पी म्यू नॉट अपॉन क्या होगा फोर पाई है ना, आई कॉमन ले लो डी वाई अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर, यहाँ क्या करेंगे ओवर द लेंथ हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इक्वेशन मैं क्या कर रहा हूँ वन मान लेता हूँ। ठीक है अब इसके बाद अब देखो यदि मैं लिखूं उस ट्रायंगल में देखोगे तो तुम वाई आई मीन टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा वाई बाई डी, तो वाई इक्वल टू क्या होगा डी टैन थीटा और डी वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डी सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या। ठीक है और आर के जगह क्या लिख सकते हैं आप बता सकते हो, देखो आर स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं आर के जगह क्या लिख सकते हैं, देखो तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर के जगह यहां से हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू क्या होगा वन प्लस क्या हो जाएगा हाँ यहाँ हमने सॉरी यहाँ साइन थीटा भी होगा ना यार हम छोड़ दिए हैं, क्या होगा इसको हटाओगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आई मीन क्या होगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा डी स्क्वायर सीक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब वैल्यू रख दो तो देखो तो यहाँ से नाउ फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है तो डी पी इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी वाई का वैल्यू रखो डी वाई का वैल्यू क्या है डी सेक स्क्वायर थीटा डी सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का वैल्यू रखो यार तो क्या हो गया आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे माइनस अल्फा टू प्लस बीटा अब आसानी से एक रिजल्ट मिल जाएगा, देखो क्या मिलेगा यहाँ से। ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा म्यूनट म्यूनट आई अपॉन फोर पाई इंटू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस अल्फा टू बीटा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा ये तो कितना बचेगा डी इंटू क्या बचेगा कॉस थीटा डी थीटा, अब बी पी इज इक्वल टू क्या होगा म्यूनट आई अपॉन फोर पाई डी इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा टू क्या हो जाएगा बीटा, तो बी पी इज इक्वल टू म्यूनट आई अपॉन फोर पाई डी ठीक है साइन ऑफ अल्फा प्लस क्या होगा साइन ऑफ बीटा, समझ में आया अल्फा बीटा क्या है आपको मालूम चला ना, बस यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको यूज करके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होगा यहाँ जो डायरेक्शन होगा इस केस में ये बी बी आई रिजल्ट है आपको याद करना रखना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी क्या है डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द क्या होगा वायर, ये याद रखना है डी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वायर, ठीक है और ये क्या होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड, आपको क्या करना है ध्यान रखना है यदि आपको रिजल्ट मालूम है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम आप इसको यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो एक एक स्टेप में देखते देखते क्या होगा
आंसर जाएगा. म्यू नॉट का वैल्यू क्या होगा, 4 पाई इनटू 10 रेज टू माइनस 7, आपको ये भी याद रखना है. ठीक है, अब डायरेक्शन जो होगा आपको मालूम है कि कोई भी यदि करंट कैरिंग वायर होता है तो उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होता है. क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है. इसको हम देखेंगे, ये आप ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. इसके नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्या है सम देखेंगे. वायर क्या होगा, फाइनाइट होगा, सेमी फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, तो ऑल केसेस देखेंगे. उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर. फिर सर्कुलर रिंग के द्वारा देखेंगे, तो डिफरेंट. तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि करंट कैरिंग वायर के द्वारा डिफरेंट सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ये आपको तो ध्यान देखना कि स्ट्रेट वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. अल्फा बीटा क्या है, परपेंडिकुलर से दोनों एंड जो दोनों दो जो एंड है वायर का वो उस पॉइंट पी से जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके साथ हमने अल्फा बीटा एंगल कंसीडर किया है. तो इसके डिफरेंट केसेस भी हम क्या होगा देखेंगे. ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही. इसके दूसरे क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड सम देखेंगे. ठीक है, थैंक यू.